नमस्कार, आर्या न्यूज़ देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ अलका सिंह। बुलेटिन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। रुक करते हैं खबरों का। इंडिया भारत नाम विवाद पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि इसे कोई नहीं बदल सकता। देश का नाम बदलना कोई मामूली बात नहीं है, इसके लिए आपको देश का संविधान बदलना होगा। हिम्मत है तो करके दिखाइए, हम भी देखेंगे कौन आपका साथ देता है। अगर आप संविधान पढ़े तो उसमें शुरू में ही लिखा है इंडिया दैट इज भारत विच इज यूनियन ऑफ स्टेट्स, उसमें दोनों नाम दर्ज हैं। आप कोई नहीं चेंज कर सकता ना? क्या इनके पास दोताही बहुमत है पार्लियामेंट में? अगर है तो चेंज करके दें, ये कोई मामूली बात नहीं है नाम चेंज करना। इसके लिए आपको मुल्क का आईन बदलना होगा। अगर इतनी हिम्मत है तो लाइए, हम भी देखें कौन इसमें आपका सपोर्ट करेगा मुल्क का नाम बदलने में। जहां तक आप अगर आईन को ठीक से पढ़ें तो शुरू में ही लिखा है इंडिया विच इज भारत इज ए यूनियन ऑफ स्टेट्स, उसमें दोनों नाम दर्ज हैं। लोग इसको इंडिया कहते हैं, भारत कहते हैं, हिंदुस्तान कहते हैं, उनका हक है। अब मोदी साहब इंडिया नहीं इस्तेमाल करना चाहते, ना करें, लेकिन आईन से वो हटा नहीं सकते, कोई नहीं चेंज कर सकता ना। खबर छत्तीसगढ़ के गरियाबंद से है, जहां तेंदुआ ने बाप बेटे पर हमला कर दिया। तेंदुआ भी मृत अवस्था में पाया गया। ये घटना नवागढ़ वन परिषद के ग्राम चिपरी की है, जहां पर बाप बेटे पर तेंदुए ने हमला कर दिया, जिसकी वजह से दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए। हैरानी की बात यह है कि इस घटना के बाद तेंदुआ भी मृत पाया गया। तेंदुए की मौत अब तक एक रहस्य बना हुआ है। SDO मनोज चंद्रकार ने घटना की पुष्टि करते हुए मामले की जाँच की बात कही है। वहीं कोलकाता में राज्यपाल CV आनंद बोस ने G20 शिखर सम्मेलन की सफलता और हिंसा मुक्त भ्रष्टाचार मुक्त पश्चिम बंगाल के लिए प्रार्थना की है। इस दौरान राज्यपाल ने कहा कि भारत पूरी दुनिया यानी G20 को सर्वश्रेष्ठता दिखाने में अपने मिशन पर निकल पड़ा है। ये आरती G20 की सफलता, भारत की सफलता और पश्चिम बंगाल की सफलता के लिए प्रार्थना की गई है। See, India has set out in its mission to showcase the best of India to the whole world. That is G20. This Arati was performed to pray for the success of G20, success of India, success of West Bengal. Thank you. मेरी माटी मेरा देश अभियान के तहत अमृत कलश यात्रा उत्तर प्रदेश CM योगी आदित्यनाथ शामिल हुए। इसमें PM मोदी की तारीफ भी इस दौरान CM योगी ने की। उन्होंने कहा कि PM मोदी के नेतृत्व में भारत ने आज़ादी का अमृत महोत्सव भव्यता और दिव्यता के साथ आयोजित किया है। माटी को नमन, वीरों को वंदन, विरासत के सम्मान के इस कार्यक्रम में प्रदेश भर के हर नगर निकाय विकासखंड से ये कलश एकत्र होकर लखनऊ और फिर दिल्ली के लिए जाएगा। लखनऊ में आज़ादी के अमृत कलश की स्थापना हुई है, वहीं प्रदेश भर से एकत्रित हुए कलश स्थापित किए जाएंगे। एक अमृत काल के प्रथम वर्ष में हम सबको नए भारत का दर्शन हो रहा है और नए भारत की 140 करोड़ की आबादी को आगामी 25 वर्ष की एक विस्तृत कार्य योजना के साथ आगे बढ़ने का एक अवसर प्रधानमंत्री मोदी जी ने उन सबको दिया है। यह देश जब अपनी आजादी का शताब्दी महोत्सव मना रहा होगा 2047 में, उस समय कैसा भारत हो, स्वाभाविक रूप से हर राष्ट्रभक्त भारतीय के मन में एक इच्छा होगी कि उस समय एक सशक्त भारत, एक समर्थ भारत और दुनिया का एक सबसे बड़ी महाशक्ति के रूप में एक नए भारत का दर्शन भारत को हो। Yes, sir, it has been notified. Elections will take place. अमृत काल के प्रथम वर्ष में वहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला ने चुनाव के मुद्दे पर बात की। उन्होंने कहा कि ये अधिसूचित किया गया है, चुनाव होंगे और मुझे लगता है कि अक्टूबर महीने में वोटिंग कराई जाएगी। Yes, sir, it has been notified. Elections will take place, and I think in October they'll vote. What?
let them put it before the parliament. We'll see what we'll do. वहीं छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने गृह मंत्री अमित शाह पर पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि अमित शाह जी हर समय नाराज हो जाते हैं। भिलाई में आए थे 40-50 हज़ार की भीड़ होगी, लेकिन 9-10 हज़ार की भीड़ हुई। बस सभा के लिए घंटों इंतजार करना पड़ा। जो आरोप पत्र 10 बजे जारी करना था वो 12 बजे किया गया। वे कितना भी कोशिश कर ले, वे मानसिक रूप से हार चुके हैं। छत्तीसगढ़ के लोग बीजेपी को नापसंद करते हैं क्योंकि उन्होंने 15 साल लोगों को ठगा है। बोले तो अभी तो अमित शाह जी हर समय नाराज हो जाते हैं। भिलाई में आए थे 40-50 हज़ार की भीड़ होगी, बोले 8-9 हज़ार भीड़ थी। एक घंटे इंतजार करना पड़ा सभा के लिए। फिर अभी रात रात में आते हैं, घुड़की लगा के जाते हैं। अभी जब आरोप पत्र जारी करना था 10:30 बजे, वो 12 बजे शुरू हुआ। हाल भी नहीं भरा, बेहाल थे। तराई पालिंग सभा की स्थिति वही थी। वो आके सीधा जो कार्यक्रम नहीं था, फिर वापस गए कार्यालय में, फिर घुड़की लगा गए हैं। तो अभी डंडा मार मार के चलाए हैं। तो कहते हैं ना, दिखाए पूत पहाड़ नहीं चढ़ते। कितना भी कोशिश कर लें, अब वो ये मानसिक रूप से हार चुके हैं। लेकिन आरोप पत्र जारी किए, कम से कम ईडी आईटी वालों को बोल देते, भीड़ तो ऐसी हो जाती है। अपने मजबूत टीम का उपयोग नहीं किया उन्होंने। कांग्रेस सरकार में आई तो आईफा अवार्ड करवाएगी, ये बात अभिनेता गोविंदा के साथ मंच साझा करते हुए पूर्व कानून मंत्री पीसी शर्मा ने की। इसके साथ ही पूर्व कानून मंत्री पीसी शर्मा ने कहा कि गोविंदा की एक फिल्म आने वाले समय में मध्य प्रदेश में जरूर शूट की जाएगी। इसके साथ ही गोविंदा ने कहा कि मेरे नाम के अनुसार फिल्म मैं तो करूँगा काम, लेकिन हालांकि अब तक ऐसी कोई फिल्म नहीं मिली है, इसलिए मेरी ऐसी मूवी नहीं आई है। इसके साथ ही अभिनेता गोविंदा ने सनातन को लेकर मची बहस पर कहा कि सनातन समुद्र की तरह है, समुद्र किसी पर रोक टोक नहीं लगाता है। गाली देखिए, गाली गलौज तो ऐसी जगह है, मतलब जैसे बनारस में आप गाली दे देंगे तो वो गाली गाली नहीं लेंगे वो एक विधि के हिसाब से देखना है उसका, शुरू हो जाता है। तो आप कहाँ दे रहे हैं गाली और कैसे दे रहे हैं और आपके दिल के भाव क्या हैं? आप सिर्फ किसी को इम्प्रेस करने के लिए दे रहे हैं तो एक अलग सब्जेक्ट है, पर एक आप समटाइम्स अब जैसे बनारस में तो गाली दे देता है कोई, किसी को बड़ी बड़ी गाली दे देता है तो लोग लेते नहीं है, वैसे हंसते निकलती है चीज़ें। तो वहीं भोपाल में एक और हनी ट्रैप का मामला सामने आया है। गोविंदपुरपरा में रेलवे चीफ कंट्रोलर के साथ उनके ही सहकर्मी ने हनी ट्रैप के झूठे मामले में फंसाने की धमकी देकर अपनी महिला साथी के साथ मिलकर अंतरंग वीडियो और फोटो वायरल करने की धमकी देकर 5.5 लाख रुपए वसूल लिए हैं। एक व्यक्ति की शिकायत जज गोविंदपुरा थाने में आई थी। शिकायत पर से मामला पंजीबद्ध हुआ है, जिसमें एक ही ऑफिस में कार्यरत थे और पहली बार मुलाकात जो है 2021 में किसी फंक्शन में हुई थी व्यक्ति की महिला से। उसके बाद महिला के द्वारा लगातार व्यक्ति को बोला गया कि आप मुझे 3 रुपये दीजिए, नहीं तो मैं आपके खिलाफ़ यौन शोषण या किसी भी गलत प्रकार का इल्ज़ाम लगा के आपको फंसा दूँगी। तो ये लगभग 2 सालों से चल रहा था, जिसकी शिकायत गोविंदपुरा थाने में आई थी। शिकायत जांच पर से मामला पंजीबद्ध किया गया। वहीं बर्थडे में शामिल होने गए युवक पर आधा दर्जन से अधिक दबंगों ने लाठी डंडों से मैरिज लॉन के अंदर घुसकर हमला कर दिया। हमले में युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। मारपीट की पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। मामला शहर कोतवाली क्षेत्र के कहारों के अड्डे के पास का है, जहां पर एहतशाम नाम के युवक की जन्मदिन के पार्टी में दबंगों ने पिटाई की। लॉन में इस दौरान भगदड़ मच गई। वहीं घटना की सूचना पाकर
मौके पर पहुंची पुलिस ने मामला दर्ज किया है। शादी में गए थे, वहाँ पे 20-25 लोगों ने हमला कर दिया। कौन कौन लोग थे? अरे बहराना के थे, बिक्की थे, टिट्टू थे, फरमान थे, सचिन थे, मिज्जू थे, बहुत लोग थे। इसकी सूचना किसी को दिया आपने? पुलिस में। ये कोतवाली नगर के अंतर्गत गुलाब रोड में स्थित एक लॉन है, जहाँ पर एहतशाम ने ये अवगत कराया कोतवाली में आकर के कि कल एक समारोह में वो सम्मिलित होने गया था। वहाँ पर कुछ लड़के जिनके नाम क्रमशः विक्की, टिट्टू, फरमान और अन्य लोग हैं, वो लोग आए और उसके साथ मारपीट की। मारपीट का मामला क्या था? एहतशाम नाम का एक लड़का आया था, मारपीट का मामला था। उसकी जो है चोटें नोट कर ली गई हैं, चोटें ज़्यादा गंभीर नहीं है और उसको ऑब्जर्वेशन में रख लिया गया है। वहीं केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने चेन्नई में राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना की प्रगति की समीक्षा की। इसके बाद एक सभा को संबोधित करते हुए नितिन गडकरी ने कहा कि चेन्नई में राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा की। बेंगलुरु चेन्नई एक्सप्रेस हाईवे साल के अंत या जनवरी 2024 तक शुरू हो जाएगा, इसलिए आप इस क्षेत्र में लग्जरी बसें और स्लीपर कोच लॉन्च कर सकते हैं। हम अच्छी सड़कें बना रहे हैं। We are developing 36 green express highway. We are connecting Chennai to Delhi. And actually I am telling you that before coming to this program, I was taking the review of our project from Chennai to Bangalore. In the end of this year, in the first January, in January month, we will start Bangalore-Chennai express highway, where time period will be only 2 hours. So you can launch luxury buses, sleeper coach buses on electric, and just like business class, people will enjoy that, and you can reduce the ticket rate by 30%. वहीं आवारा मवेशी से टकराकर स्कूटी सवार बुजुर्ग की दर्दनाक मौत हो गई। मामला लालगंज कोतवाली क्षेत्र के रेल कोच फैक्ट्री के सामने का है, जहां दुर्गा प्रसाद सैनी लालगंज किसी जरूरी काम से आए हुए थे। वापस लौटते समय पूरे वन मजरे वसंतपुर को ठाई जा रहे थे, तभी रेल कोच कारखाने के पास मवेशी आ जाने की वजह से उनकी स्कूटी अनियंत्रित होकर गिर पड़ी, जिसकी वजह से चोट लगने से उनकी मौत हो गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और आगे की विधिक कार्रवाई शुरू कर दी। हाँ, एक दुर्गा प्रसाद सैनी नाम का व्यक्ति आया है, जो हमारे पास आया है, मृत अवस्था में आया था। ठीक है, बता रहा है कि कहीं पे एक्सीडेंट हुआ है रेल कोच के पास में। ठीक है, और हमारे पास अभी जब आया था तो मृत अवस्था में। वहीं अलीगढ़ दीवानी न्यायालय परिसर गेट पर हापुड़ में अधिवक्ताओं के ऊपर हुए लाठीचार्ज के विरोध में अधिवक्ताओं ने शुक्रवार से सांकेतिक भूख हड़ताल की शुरुआत कर दी है। अधिवक्ताओं ने दोषी पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों को निलंबित करने, घायल अधिवक्ताओं को मुआवजा देने की मांग की है, साथ ही दोषी कर्मचारियों पर कार्रवाई की मांग की है और प्रदेश भर में अधिवक्ताओं के विरुद्ध लिखे गए मुकदमे वापस लेने और अधिवक्ता सुरक्षा अधिनियम लागू करने की मांग की है। उत्तर प्रदेश शासन ने विपिन राणा जो बुलाए, आज हापुड़ की घटना के संबंध में हम लोग भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं। काफ़ी दिनों से हमारी हड़ताल चल रही है, अभी तक कोई जो हमें चाहिए था, जिस हिसाब से हम मांगे चाह रहे थे, वो हो नहीं पा रही, इसलिए आज हम भूख हड़ताल पर बैठ के और प्रशासन और शासन को ये संदेश देना चाहते हैं कि जो भी हमारे हापुड़ के जो अधिवक्ता हैं उनको न्याय मिले और उनके और जो अधिवक्ता प्रोटेक्शन एक्ट है वो लागू किया जाए। जब तक कि सर अभी तो देखते हैं, आज एक दिन की हड़ताल है, आगे अगर मांगे आगे पूरी नहीं होती है तो मांगे। आज जो धरना स्थल है इसमें सांकेतिक भूख हड़ताल रखी गई है और इसमें प्रमुख मांगे हमारी, जो दोषी अधिकारी हैं उनको तुरंत सस्पेंड किया जाए,
जिन अधिवक्ताओं के साथ मारपीट हुई है उनको मुआवजा दिया जाए। उत्तर प्रदेश में इस घटना को लेकर जितनी जगह वकीलों के खिलाफ मुकदमे लिखवाए गए हैं वो सारे मुकदमे तत्काल प्रभाव से समाप्त किए जाएं। और साथ ही साथ हमारे उत्तर प्रदेश सरकार से एक मांग ये है कि उत्तर प्रदेश में अधिवक्ता सुरक्षा अधिनियम तत्काल प्रभाव। उनकी घटना को लेकर सभी अधिवक्ताओं गणों में काफ़ी रोष है। पिछले कई दिनों से लगातार हड़ताल चली आ रही है, परंतु सरकार द्वारा अधिवक्ताओं की कोई मांग पूरी नहीं की गई है। इसी मांग को चलते आज अधिवक्तागण अलीगढ़ के भूख हड़ताल पर, सांकेतिक भूख हड़ताल पर बैठे हैं। अगर हमारी मांगे नहीं मानी गई तो ये भूख हड़ताल अनिश्चितकाल तक चलेगी और इसके एक विस्तृत रूप में चलेगी। हमारी डिमांड ये है कि जो दोषी CEO है उसको तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाए, उसको बर्खास्त किया जाए और अधिवक्ताओं के खिलाफ जो पूरे उत्तर प्रदेश में जो भी FIR हुई है वो FIR तत्काल वापस ली जाए और अधिवक्ता प्रोटेक्शन एक्ट लागू हो। अगली खबर कानपुर देहात से है, जहां पत्नी के अपहरण की सूचना देने वाला पति ही पत्नी के का हत्यारा निकला। पति ने ही पत्नी की हत्या की और फिर पत्नी के अपहरण की झूठी कहानी गढ़कर पुलिस वालों को सुनाई। घटना के 36 घंटे के अंदर पुलिस ने मामले का खुलासा करते हुए 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें कि पति का अपनी पत्नी से विवाद चल रहा था और रिश्तेदारों के साथ मिलकर उसने पत्नी की हत्या की साजिश रची। हत्या के बाद आरोपी पति ने महिला का शव झाड़ियों में फेंक दिया और अपहरण की झूठी कहानी गढ़कर पुलिस वालों को सुनाई। हालांकि पुलिस ने 36 घंटे के अंदर मामले में कार्रवाई करते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। फिलहाल पुलिस अग्रिम कार्रवाई में जुट गई है। देखिए, आप सभी लोगों को अवगत है कि शिवली थाना क्षेत्र अंतर्गत नहर के बगल में एक महिला की अपहरण और हत्या का मामला प्रकाश में आया था, जिसको शिवली पुलिस ने कई अथक प्रयासों से कुछ ही घंटों में इसका अनावरण किया है। उसके डिटेल्स निम्नवत है। इसमें महिला का नाम है सरिता पाल। ये जो मृतका है उनका नाम है सरिता पाल, एक चौबेपुर की निवासी है। इनके पति रमन पाल पुत्र। पूरे देश में श्री कृष्ण जन्माष्टमी धूमधाम से मनाई गई। वहीं इसी क्रम में बीजेपी नेत्री रूबी ने भी श्री कृष्ण जन्माष्टमी अपने बेटे के साथ मिलकर मनाई है। हिंदुस्तान के अमन चैन की इस दौरान उन्होंने कामना भी की। भाजपा नेत्री रूबी आसिफ खान ने अपने बेटे के साथ मिलकर श्री कृष्ण जन्मोत्सव धूमधाम से मनाया। मीडिया से बात करते हुए भाजपा नेत्री ने कहा कि भगवान श्री कृष्ण से उन्होंने हिंदुस्तान में अमन चैन सुख शांति के साथ साथ हिंदू मुस्लिम के बीच एकता बने रहने की भी प्रार्थना की है। वहीं यूपी के बुलंदशहर में SDM के अर्दली सहित परिवार के 6 लोगों पर दबंगों ने जानलेवा हमला किया। मिली जानकारी के मुताबिक कोतवाली नगर के गांव झमका में दबंग ग्राम प्रधान पप्पन ने दर्जनों लोगों के साथ मिलकर अर्दली के पूरे परिवार पर धारदार हथियार से हमला कर दिया। इस हमले में अर्दली के परिवार के कई लोग घायल हुए हैं, जिन्हें इलाज के लिए सूरजमल जटिया अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। सर, इनने 4-5 लोगों की चोट मारी है। अच्छा, क्या मामला था? सर, मैं तो आ रहा था गाजर, अभी 10 दिन हो गए गाजर लगे, गाजरों पे से आ रहा था। ये 3 लोग पहले आए बाइक पे, 2 पीछे से आए। इनने कहे ये जा रहा, फिर इनने क्या मारा है, मेरे हथियार है इन पे, दाब हथियार थे पहने। फिर क्या ले गया? सर, मेरे पे एक तो फ़ोन था रियलमी का और मुझ पर 4,500 रुपये थे, सब ले गए सर। ये जब मेरे चाचा आए थे गाजर से, तो जो उनके मतलब जो प्रधान गांव का, वो बहुत ही मतलब खतरनाक गुंडागर्दी करता है पूरे दिन, और हमारे मतलब पहले से जान के पीछे पड़ा हुआ है। मेरे पापा को कह रहा था कि खुलेआम धमकी दे रखी है उसने कि जान से मारूंगा, तो आज मेरे चाचा आ रहे थे अकेले, देखा तो उसने तो 5 जने उसके पीछे लग गए, और देखो चाचा के भी हाथ बट रहे मेरे भी। मेरे साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए आर्या न्यूज़। नमस्कार।